क्या लगता है अमीर, हमारे भाइयों को हमारे सुराग मिल पाएंगे? उन्हें अब तक हमारा सुराग मिल भी चुका होगा, लेकिन उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। कबीला खतरे में है, जितना जल्दी हो सके हमें उस आदमी को पकड़कर कबीले की तरफ लौटना होगा। तुम हथकड़ियां खोलने की कोशिश कर रहे हो? अगर दोबारा तुमने मेरे भाइयों पर हाथ उठाया तो तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। सिपाही को छोड़ दो वरना जान से जाओगे अपनी। इतने अजीम और कीमती मेहमान पर कैसे तलवार सोती जा सकती है? तुम कौन हो? वक्त आ चुका और अब सारे राज अफशा हो जाएंगे। तुम जानवरों के पैरों के निशान हैं और मिल भी गए हैं आपस में। यहाँ से चरवाहे भी गुजरे होंगे, ये कैसे मालूम हो कि सलीबी भी गुजरे थे यहाँ से? अल्लाह करे हम गलत रास्ते पे ना हो सरदार। उन्हें इसी रास्ते से ले जाया गया है। अमीर सलाहुद्दीन ने भी सुराग छोड़े होंगे जैसा सूफिया ने बताया था। तो बात सुनो मेरी, हम मर जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। जब तक कुछ मिल नहीं जाता तलाश जारी रखेंगे। चलो। तो तुम हो वो अजीम ताकत जो सारी फसाद की जड़ है। रोशनी तारीकी एक दूसरे की जिद है, जैसे हम दोनों एक दूसरे की जिद है। सलाहुद्दीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी मालूमात दरकार हैं और वो तुम्हें देना ही होंगी, जिससे मैं और रोशन हो जाऊंगा और जिससे तुम्हारे अंदर की तारीकियां भी दूर हो जाएंगी। हम भड़कती हुई आग हैं जो अपनों के लिए रोशनी बिखेरती है और दुश्मन को इस आग के शोले भस्म कर देते हैं। तुम मेरे करीब आओगे तो जल कर रह जाओगे। मेरी फौज तुम्हारे कबीले पर हमला करने के लिए मेरे इशारे की मुंतजर है। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अगर वो ना दिया जो मैं चाहता हूं तो तुम्हारा कबीला तो गया। मुझे कैद करके तुमने सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दिया है। अभी बहुत आगे जाना है हम दोनों को। देख लेंगे हम कि कौन चलेगा और कौन नहीं। इंतजार करो, चलते हैं जी।